इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में रामनवमी पर बावड़ी की छत धसने के कारण 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं काफी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घायलों से उनका हाल जानने पहुंचे, वहीं मृतकों के परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 मुआवजा देने का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह जो घटना है वह काफी दुखद है, इस घटना की न्यायिक जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश में अब इस तरह के जो भी खुले स्थान हैं उनको लेकर भी सरकार ने निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि अगर कोई भी बोरिंग खुला पाया जाता है और वह निजी जमीन पर होता है तो निजी जमीन के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अगर सरकारी जमीन होगी तो सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी को निर्देश दिया गया है कि तमाम बोरिंग बंद करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल्द से जल्द इस मामले में जांच की कार्रवाई पूरी की जाए, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन के संपर्क में था, अभी एक मिसिंग है, उनको ढूंढने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। घटना की जांच के निर्देश दिए हैं, मजिस्ट्रेट जांच की होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। जांच के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हमारी प्राथमिकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए और अभी एक साथी जो मिसिंग है उनको भी ढूंढा जाए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। बाकी सारी व्यवस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पीड़ित परिवारों को राहत की राशि देने का फैसला किया है और राज्य सरकार ने भी मैंने कल जैसी घोषणा की है पीड़ित परिवारों की सहायता में हम कोई राज्य सरकार ने भी मैंने कल जैसी घोषणा की है पीड़ित परिवारों की सहायता में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो बोरवेल ऐसे होते हैं खुले रह गए हैं उनकी भी जांच के निर्देश दिए हैं और ये फैसला किया है कि अगर कोई ऐसा बोरवेल खुला मिला तो निजी है तो निजी ज़मीन के मालिक पर और अगर कोई सरकारी है तो सरकारी विभाग का जो भी कर्मचारी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिकता है के एक और साथी जो मिसिंग है उनको ढूंढ लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।